हम लोग पिकनिक्स पे जाते थे, वाटरफॉल पे जाते थे, जहाँ पे सर हमें दिखाते थे कि किस तरह हम बिना नशे के अपनी लाइफ को कितनी खूबसूरती से एंजॉय कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं अंकुर, एक रिकवरिंग एडिक्ट। आपको अपने शफा के साथ एक साल पूरा रिकवरी में बिताए हुए सफ़र के बारे में बताना चाहूँगा। ये सफ़र से पहले की अगर मैं बातें करूँ आपसे, तो मैं जब तक अपने एडिक्शन में था, मैंने काफ़ी गलतियाँ करी थी। मेरी मनमानी के व्यवहार, हैविंग ओन वे, रिएक्शंस, डिनाइल्स, एक तरह से ऐसा हो गया था कि मैं काफ़ी कुछ खो चुका था अपनी लाइफ में, और एक कोई भी होप की लाइट मुझे दिख नहीं रही थी। फिर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से मेरी फैमिली को शफा के बारे में पता चला। उन्होंने शफा से कांटेक्ट किया और फिर मैं शफा आया। शफा आने के बाद मेरा सफ़र जब शफा में पहले दिन से शुरू हुआ, वो मेरा पहला कदम था रिकवरी की ओर। जब मैंने रिकवरी में शुरुआत करी, तो मेरा शफा में पहला डिपार्टमेंट था हाउसकीपिंग में, एक जनरल मेंबर का। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है हमारे शफा का जो हमें काफ़ी सारी चीज़ें सिखाता है, जहाँ पे हम सीखते हैं डायरेक्शंस को फॉलो करना और वैल्यू सिस्टम को, कि किस तरह से एक छोटी छोटी चीज़ें जो हम हमारे घर में मिस करते हैं, उस चीज़ की कितनी वैल्यू होती है और उस चीज़ का पर्पस क्या होता है। इसी तरह फिर मेरा सफ़र आगे बढ़ता रहा और मुझे आगे प्रमोट किया गया। मैं इस घर में फिर एक एक्सपीडाइटर के पोर्टफोलियो पर आया। एक्सपीडाइटर घर की एक ऐसी जिम्मेदारी होती है जो पूरे घर का आँख, नाक और कान कहा जाता है, जिसे सारे घर की गतिविधियों को देखना और रिस्पॉन्ड करना सीखना होता है। किस तरह से फैमिली में व्यवहार हो रहे हैं, किस तरह से लोग गलतियां कर रहे हैं, और हमें अपनी अवेयरनेस पे बहुत काम करना पड़ा, जैसे कि रिपोर्टिंग्स देना, ऑब्जर्वेशंस देना, कन्फ्रेंट्स करना, पुलअप्स डालना, और हमेशा कॉल्स को लेते रहना, जिससे हम हमारी अवेयरनेस को और इम्प्रूव करते थे कि हम कहीं भी किसी भी काम में हों, हमें रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड जो मैं अपने एडिक्शन में छोड़ चुका था। हमारे प्रोग्राम की सबसे पहली स्टेप होती है रिस्पॉन्ड करना। हम किस तरह से हमारे साथ हुई चीज़ों को, मैं अपने साथ हुई हर चीज़ों को किस तरह से रिस्पॉन्ड करता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में हमेशा गलत रिस्पॉन्ड करा और मैं एक एडिक्ट की श्रेणी में आ गया। तो एक सही रिस्पॉन्ड करके मैं एडिक्ट से रिकवरिंग एडिक्ट किस तरह बन सकता हूँ, ये मैंने यहाँ आके सीखा। एक्सपीडाइटर का पोर्टफोलियो काफ़ी डायनामिक पोर्टफोलियो है और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें उसमें इम्प्रूव करी। फिर मुझे ज़िम्मेदारी दी गई हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट लॉन्ड्री की। काफ़ी सारी चीज़ें लॉन्ड्री में ऐसी होती है जिसे इम्प्रूव करना पड़ता है, जिसमें हमें हार्डवर्क करना पड़ता है। फैमिली के 100 से 125 मेंबर्स के कपड़ों को मशीन्स में धुलवाना, ऊपर उनको टेरेस पे ले जाके सुखाना, दोबारा नीचे लाना और स्टैक करके सबके बेड्स और रैक पे पहुंचाना, सॉर्ट करके, और उसके अलावा अपना पूरा प्रोग्राम करना और पूरी फैमिली की हर गतिविधियों में शामिल होना। ये कुछ ऐसा था जो मेरे लिए काफ़ी डायनामिक सा था, क्योंकि मैं शुरू में जब आया, मैं काफ़ी कंफ्यूज सा रहता था। मुझे चीज़ें समझ नहीं आती थी। मेरे अंदर एक व्यवहार था हैविंग ओन वे का, मैं अपनी मनमानियाँ करता था। बट मैं ये भूल गया था कि इन्हीं सब चीज़ों के कारण मैंने अपनी लाइफ को एडिक्शन के छोर तक ले गया, क्योंकि मैंने किसी और की कभी सुनी नहीं, वो शायद सही बता रहे थे। धीरे धीरे जब मैंने इन चीज़ों पर डील हुआ, मुझे मेरे व्यवहार दिखाए गए हमारे घर के सीनियर मेंबर्स और स्टाफ के द्वारा, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। कई जगहों पर ऐसा भी होता था कि मैं अटक जाता था, मुझे चीज़ें समझ नहीं आती थी, मैं परेशान होता था। इन चीज़ों में हमें बताया जाता है 1-to-1 करके हमारे काउंसलरों के द्वारा, कि हम किस तरह से अपनी स्थिति को बेहतर कर सकते हैं और एक दूसरे नज़रिए से हमारी प्रॉब्लम्स को हम समझ सकते हैं, जो मेरे लिए एक बहुत ही मूविंग सी सिचुएशन थी, जहाँ मैं अपनी चीज़ों को सीखने लगा। इसके बाद फिर जब मैंने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो लिया, उस डिपार्टमेंट के लिए मुझे पता नहीं था कि मैं काबिल हूँ या नहीं। मुझसे शुरू में काफ़ी गलतियाँ भी हुई, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। मेंटेनेंस का मतलब होता है कि हर चीज़ को मेंटेन करना, उनकी कद्र करना। फिर उससे मुझे एक वैल्यू सिस्टम जनरेट हुआ, जहाँ मैं समझा कि जब मैं किसी चीज़ की वैल्यू नहीं करता हूँ और उसे रफ़ यूज़ करता हूँ, तो उसकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जैसे मैं अपने घर में अपने टीवी, अपने सेलफ़ोन, अपने एसी, उनका ध्यान नहीं रखता था, उन्हें चालू छोड़ देना, रफली बंद करना, लाइट्स गई तो मैं चले जाता था, तो जिस तरह से उनका नुकसान होता था, वो मैंने यहाँ आके सीखा। मैंने उस चीज़ पे रिस्पॉन्ड करना सीखा कि किसी भी चीज़ को अगर अच्छे से यूज़ करें तो उसकी लाइफ टाइम बहुत बढ़ जाती है।
ये मैंने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से सीखा। जब मैंने चीज़ों को मेंटेन किया, मेरी अवेयरनेस जनरेट हुई कि किस तरह से मेरी फैमिली में, शफा फैमिली में लोग किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स किसे रफ यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को, जिससे कि उसकी लाइफ टाइम कम हो रही है, वैलिडिटी कम हो रही है। ये चीज़ मैंने सीखी। मुझे स्टोर डिपार्टमेंट का HOD बनाया गया मेंटेनेंस के बाद। स्टोर डिपार्टमेंट मेरे लिए कुछ ऐसा था, उस समय मैं काफ़ी कंफ्यूज रहता था, मुझे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता था, लैक ऑफ अवेयरनेस रहती थी, मुझे पता नहीं रहता था कि हमारे स्टोर में कितना सामान कहाँ पड़ा है। मैं काफ़ी बार अपने व्यवहारों पे डील हुआ, लैक ऑफ अवेयरनेस पे, मनमानी पे, मेरा चैलेंज का व्यवहार भी आया, क्योंकि ये सारी चीज़ें बार बार करना एक चैलेंज दिखाता है, मैं उसे बाद में समझा। कई गलतियाँ मैंने करी और धीरे धीरे उन्हें इम्प्रूव करता गया। हमारे डिपार्टमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें थी जिन्हें मैंने अपने में महसूस किया कि उन्हें बदलना चाहिए, मैंने रिस्पॉन्ड किया और एक स्टाफ मेंबर ने मेरे साथ पूरे स्टोर का इंटीरियर भी बदला। हमने पूरे स्टोर का इंटीरियर बदल दिया, उन सामानों को सॉर्ट कर दिया जो स्टेशनरी से और फूड आइटम्स में अलग अलग होते हैं। काफ़ी सारा वैल्यू सिस्टम मेरा अपडेट हुआ और अवेयरनेस जगी कि कौन सी चीज़ कब ख़राब हो सकती है, किसकी एक्सपायरी डेट कब है और उसे किस तरह से हमें यूज़ करना चाहिए। ये सफ़र मेरा आगे बढ़ा केयरिंग डिपार्टमेंट में, जहाँ पे मैंने दूसरों के लिए केयर और कंसर्न करना सीखा। जिन मेंबर्स को स्पेशल नीड्स हैं उनके लिए हमने काफ़ी सारी मददें करी, जैसे उन्हें सुबह नहलाना, उन्हें शेव करवाना, उनके लिए कपड़े सेलेक्ट करना, उनकी छोटी छोटी नेसेसिटीज़, छोटे छोटे चीज़ों का ख्याल रखना, उनके नेल्स का, उनकी डाइट का, उनकी मेडिसिन का, इन सब चीज़ों को मैंने अपने एक छोटे भाई की तरह सीखा। और मैंने एक कंसर्न जो मेरे अंदर ख़त्म हो गया था, मैं अपने छोटे भाई, अपने बहन, अपनी फैमिली के लिए जो मेरा कंसर्न कम हो गया था कि मैं किसी और की परवाह नहीं करता था, वो वापस से रीजनरेट हुई। मैंने केयर करना सीखा किसी और के लिए, ये मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था मेरे इलाज का, जहाँ मैंने केयरिंग करी किसी की और मैंने सीखा कि मुझे भी केयर किया जाता है और मुझे उस केयरिंग की कदर, ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। ये सारी चीज़ों का सफ़र मेरा आगे बढ़ता रहा जब मैं किचन डिपार्टमेंट में आया, शफा का पावर हाउस किचन डिपार्टमेंट। किचन डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा प्रेशर वाली जगह होती है, क्योंकि वहाँ पे स्पॉन्टेनियसली चीज़ें बनती रहती है। हमारे पास किचन में बेकरी है, शफा बेकरी, शफा का पूरा किचन, जहाँ पे हम 150 से कुछ ज़्यादा लोगों का खाना बनाते हैं। उन सारी चीज़ों को मैनेज करना, एक के बाद एक ब्रेकफास्ट, फिर वेकअप टी, DMT और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में सीखना। तो दोस्तों, मैं अब आपको बताऊँगा अपनी जर्नी की सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो थी हमारी ट्रिप्स, हमारी प्रिविलेजेस। जैसे कि मैंने हमेशा पास्ट में, जब से मैं एडिक्शन में लगा था, मैंने कभी भी बिना नशे के कभी कोई ट्रिप को, कभी किसी आउटिंग को एंजॉय नहीं करा। मैंने चीज़ों को उस नज़र से देखा ही नहीं जो एक नॉर्मल इंसान देखता है, मैं हर चीज़ को अपने एडिक्शन से रिलेट करता था। पर यहाँ पर शफा में हम लोगों को इस चीज़ के लिए काफ़ी चांसेस मिले। जब हम अकाउंटेबल होते थे, हम अपने आप को चेक में रखते थे, तो हमें उसके अकॉर्डिंग प्रिविलेजेस दी जाती थी। प्रिविलेजेस भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारे इलाज में। हमको कई दफ़ा सर मॉर्निंग वॉक्स पे ले जाया करते थे, कई बार हम लैंसडाउन गए, ऋषिकेश गए, कश्मीर गए, हम काफ़ी सारी ट्रिप्स पे सर हमें ले जाया करते थे और नई नई चीज़ें सिखाया करते थे। हम लोग पिकनिक्स पे जाते थे, वाटरफॉल पे जाते थे, जहाँ पे सर हमें दिखाते थे कि किस तरह हम बिना नशे के अपनी लाइफ को कितनी खूबसूरती से इंजॉय कर सकते हैं। मैंने जब देखा कि बिना एडिक्शन के लाइफ इतनी खूबसूरत है, उन चीज़ों ने मेरी लाइफ को पूरा मूव ऑन कर दिया, पूरा 360 टर्न किया। मैंने चीज़ों को सीखा और दोबारा से अपना एक कदम सोबराइटी की तरफ चलने के लिए एक संकल्प किया, एक निश्चय किया कि अगर लाइफ बिना नशे की इतनी खूबसूरत हो सकती है, तो मैं फिर अपना नशे में क्यों अपनी लाइफ को बिगाड़ूं। तो इसी तरह शफा में मैंने अपनी जर्नी को शुरू किया और एंड तक लाया, जहाँ पर मैंने अपने कई व्यवहारों पर काम किया, बहुत सारी चीज़ें सीखी और अपने वैल्यू सिस्टम और रिस्पॉन्ड को इम्प्रूव किया। मैंने ये फील किया कि मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं चीज़ें खो सी गई थी, जिन्हें मैंने हमेशा मिस कर दिया अपने एडिक्शन के चलते। फिर जब मैंने ये रियलाइज़ किया और मुझे सही गाइडेंस मिली, सही काउंसलिंग मिली और उतना मौका दिया गया, उतना चांस दिया गया कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। कई बारी मेरे से गैर जिम्मेदारियाँ हुई, बट मुझे दोबारा उसके लिए काबिल समझा गया, मुझे वापस जिम्मेदारियाँ दी गई, जिसमें मुझे कहा गया कि कोई बात नहीं, आपसे गलती हुई है, आप इसे दोबारा करो और बेहतर करो। इन चीज़ों से मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिली और मैंने अपने इलाज को इस कागार तक पहुंचाया कि अब मैं एक साल अपना पूरा रिकवरी में पूरा कर चुका हूं।
और दोस्तों मैं ग्रैटिट्यूड आभार देना चाहूँगा पूरे शफा होम, शफा के स्टाफ और श्री रंजन सर को, जिन्होंने मुझे वापस से रिकवरी की तरफ अपने पहले कदम को बढ़ाकर चलना सिखाया और उन्होंने बताया कि नशे की दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है, जो है रिकवरी में रहकर इंसान अपनी ज़िंदगी को सुधार सकता है, आगे बढ़ा सकता है, वो कभी भी एडिक्शन में आदमी नहीं कर सकता। सर का इस बार के लिए मैं बहुत आभारी हूँ और मैं पूरे शफा के स्टाफ का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरा हर अप्स एंड डाउन्स में साथ दिया। मुझसे काफ़ी गैर जिम्मेदारियाँ हुई बट मुझे दोबारा मौका दिया गया, इस काबिल समझा कि आपसे गलती हुई है तो कोई बात नहीं, आप दोबारा ट्राई करो, आप आगे बढ़ो। हम यही चाहते हैं कि आपसे गलती हुई आप उसे रियलाइज़ करो, जो हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस का मोटिव होता है।